गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। आज हम नया चैप्टर करने वाले हैं। हैव यू एवर कलेक्टेड शेल्स? बच्चों, क्या आपने कभी शेल्स, शंख इकट्ठे किए हैं? इन्जॉय दिस पोएम अबाउट अ शेल दैट सिंग्स। ये पोएम ऐसे ही एक शंख के बारे में है जो गाता है, जिसमें से गाने की आवाज़ आती है। द नेम ऑफ द पोएम इज सी सॉन्ग। आई फाउंड अ शेल अ कर्ली वन। ये जो बच्चा है ये बोल रहा है कि मुझे एक शेल मिला, एक शंख मिला जो कि कर्ली था, घुमावदार था, लाइंग ऑन द सैंड, और जो कहाँ पड़ा था, रेत में पड़ा था। आई पिक्ड इट अप, मैंने इसे उठाया, एंड टुक इट होम, और इसे घर ले गया। कॉल्ड इन साइड माई हैंड, इसे कैसे घर ले गया वो बच्चों? अपने हाथों में दबाकर, छुपाकर वो अपने हाथों में उसे घर ले गया। मम्मी लुक्ड एट इट, तो उसकी जो मदर है उन्होंने इसे देखा। एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर, फिर वो इसे मेरे कान के पास लेकर आई। एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग, और जब वो मेरे कान के पास लेकर आई तो उस शेल में से क्या सुनाई दिया मुझे? एक गीत, उसमें से मुझे एक गाना सुनाई दे रहा था, सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर। और वो गाना कैसा था? बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल कोमल, स्वीट मीठा, और बिल्कुल साफ, मैं उसे साफ साफ सुन पा रहा था। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं बहुत हैरान था। आई लिसन्ड हार्ड, मैंने बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुना। बट इट वॉज रियली ट्रू, ये बिल्कुल सच था, उसमें से गाने की आवाज़ आ रही थी। आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी ऐसा ही एक अच्छा बड़ा सा शंख मिले। एंड हियर इट सिंगिंग टू, और आप भी इसमें से ऐसे ही अच्छा सा एक गाना सुन पाएं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम। यू हैव टू राइट वन पेज ऑफ हैंड राइटिंग ऑफ दिस पोएम इन योर इंग्लिश नोटबुक। आपको इस पोएम का एक पेज हैंड राइटिंग आपकी इंग्लिश की कॉपी में लिखना है। एंड यू ऑल्सो हैव टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड, हर एक वर्ड आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू।